अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर टू आईकॉम पार्ट वन बिजनेस मैथ बुक है शाहिद जमाल की, एक्सरसाइज है टू। तो आज से जो है वो परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो नंबर वन है 20% ऑफ 80, यानी कि 80 रुपीज़ का 20% क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले 20% ऑफ 80 इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100। तो 20 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 16 रुपीज़। ठीक है, सो 80 रुपए का जो 20% होता है वो होता है 16 रुपए। ठीक है, अब है 45% ऑफ रुपीज़ 120। सो 45% ऑफ रुपीज़ 120 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 100। सो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 54। ठीक है, अब है थर्ड, 15% ऑफ 180 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 15% ऑफ 180 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 100। सो आंसर क्या आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27 किलोमीटर। साथ में यूनिट्स भी लिखने हैं आपने। अब है 10.5% ऑफ 1200। सो 10.5% ऑफ 1200 इज 10.5 इंटू 1200 अपॉन 100। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। अब 14 है, 1/2 है, डेट मीन्स 14.5। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 0.5% ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 14.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। तो आंसर क्या आया, 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था बहुत ही आसान से क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।